हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। भी एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो से पहले हमने नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट के बारे में पढ़ा था। डिलेटेड नेबरहुड है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट है, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, अगर वो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है, बेसिक कंसेप्ट आपने नहीं देखे हैं, तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि उनके बिना आपको यहां कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी एक्सरसाइज में कुछ समझ में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू दें, और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। तो शुरुआत में जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है, डिफाइन ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अब पहला ही क्वेश्चन क्या आ गया कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट को हमने डिफाइन करना है, जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट है, सो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ द फैमिलीज ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स इज एक्स होगी। अब यहाँ तक के क्वेश्चन का जो जवाब है, आंसर है, वो मैं पहले दे चुका हूँ भी, यानी कि नेबरहुड क्या होता है पॉइंट का, इस पर एक स्पेशल वीडियो डाली गई है, सीक्वेंस एंड सीरीज की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट जो लिखा है, हमें शो करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड। फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो पॉइंट एक्स गिवन है, इसके जितने भी नेबरहुड होंगे उनकी जो इंटरसेक्शन बनेगी वो ये सिंगल टर्न सेट बनेगा, जिसमें एक ही एलिमेंट है एक्स। क्लियर? तो नेबरहुड की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। तो हम मान लेते हैं भी इसके सोल्यूशन में, लेट ये जो जेड एक्स है बी द फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स, ठीक है ना, ऑल नेबरहुड्स ऑफ द पॉइंट एक्स, ठीक है ना, कि जेड एक्स है, कुछ भी आप मान सकते हो, जेड एक्स, एम एक्स, जी एक्स, कुछ भी आप सपोज कर सकते हो। ये किसको डिनोट कर रहा है? जस्ट फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड, किसके? पॉइंट एक्स के। उसके बाद हम कंसीडर कर लेते हैं एक वैल्यू एप्सिलॉन, जो इक्वल है एक्स माइनस, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, वाई ले लेते हैं, एक्स वाई के मोड से क्या है इसके इक्वल है, जहाँ पे वेयर वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y है जो वो x से एक अलग एलिमेंट होगा, x के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने एप्सिलॉन की वैल्यू ली है, जो x माइनस वाई के मोड के इक्वल है। y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन x के इक्वल ना हो, क्योंकि x के इक्वल हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो, यानी कि जीरो से बड़ा होगा, ठीक है ना। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, क्योंकि अगर ये x के इक्वल नहीं है तो जीरो नहीं आएगा, अंदर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मोड लगा दिया, दिस मीन्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सपोज किया। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं, अगर x में से मैं एप्सिलॉन माइनस कर दूं, x प्लस एप्सिलॉन, ये जो इंटरवल है इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट x, ठीक है ना, ये है जो पॉइंट x का नेबरहुड है भी। अब पॉइंट x का नेबरहुड कैसे है ये इंटरवल? क्योंकि इस इंटरवल में x के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन तक इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, जो x पॉइंट के इर्द गिर्द की वैल्यू है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे जो y है वो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता भी, इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करेगा, सिर्फ x ही इस इंटरवल से बिलोंग कर सकता है। अब y अगर इस सेट से बिलोंग नहीं करता, दिस मीन्स क्या ये जो इंटरवल है y का नेबरहुड हो सकता है? सो जो x माइनस एप्सिलॉन है और x प्लस एप्सिलॉन है इज नॉट ए नेबरहुड एक्सेप्ट x, ठीक है ना, यानी कि ये नेबरहुड नहीं बनेगा, नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट लिख सकते हो आप, एनी पॉइंट एक्सेप्ट x, यानी कि ये जो इंटरवल है ये x को छोड़ के बाकी किसी का नेबरहुड हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। दस मीन्स हमारा रिजल्ट प्रूव होगा, सो वी कैन से दैट जो इंटरसेक्शन बनेगी इन सभी फैमिली ऑफ नेबरहुड्स की, वो क्या बनेगी? सेट x बनेगी। अब ये तो हो गया थोड़ा लिखने का तरीका, प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, प्रैक्टिकल वे में समझिए। जैसे मान लिया नंबर 9 पे ये पॉइंट x है, ठीक है, इसके बहुत सारे नेबरहुड हैं, फैमिली ऑफ नेबरहुड। अब हो सकता है कि एक सेट में x के सिर्फ इतने ही
एलिमेंट हो आसपास के, हो सकता है दूसरे सेट में इससे थोड़े आगे के हो, हो सकता है तीसरे सेट में एक्स के जस्ट क्लोज और इधर साइड कुछ ज़्यादा हो, हो सकता है एक्स के लेफ्ट में थोड़ा सा हो राइट में कुछ ज़्यादा हो, यानी कि ये ओपन इंटरवल में बहुत सारे बना रहा हूँ, ये सारे उन सेट के अंदर प्रेजेंट है तभी तो वो क्या है नेबरहुड। लेकिन इन सेट्स के अंदर सबसे कॉमन चीज़ क्या है भी, अगर ये सारे नेबरहुड एक्स के इर्द गिर्द वाले पॉइंट सभी सेट्स में मिले या ना मिले, लेकिन ये जो बीच में खड़ा है एक्स, ये 100% उन सेट्स के अंदर जरूर होगा, ठीक है ना। तभी तो बोल रहा है कि इंटरसेक्शन एक सेट बनेगी एक्स की फॉर्म में, सिंगलटन सेट। अब हो सकता है जैसे मान लिया एक्स के जस्ट अगला जो नंबर है वो दुगे है किसी और सेट में ना हो, ठीक है ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं ना इस तरीके से। तो प्रैक्टिकल वे में थोड़ा इस तरीके से आपको समझना है। तो ये था भी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या कहता है, सो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड की बात हो रही है अभी, ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट, यानी कि वो जो इंटरसेक्शन है उन फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की, जो नेबरहुड है किसी पॉइंट का, उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, नेबरहुड होगी भी। तो हम मान लेते हैं इसके लिए सबसे पहले लेट यहाँ से M1, चलो M1 लिख लेते हैं, Z1 लिखने वाला था हमें, M1, M2, M3, so on MN, ठीक है ना, the finite number of neighborhoods of point, हम मान लेते हैं X मान लेते हैं, ठीक है ना, पॉइंट हम एक्स ही ले लेते हैं, कि ये बहुत सारे हैं ऐसे, जो ये सारे के सारे सेट हैं, फाइनाइट सेट हैं, तो ये सारे नेबरहुड है पॉइंट एक्स के। अब हमें बता देना इन सभी की इंटरसेक्शन है जो वो भी नेबरहुड होगी एक्स की, बस ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम देखें, देयर एग्जिस्ट यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करेगा एप्सिलॉन आई ग्रेटर देन जीरो, such that जो x पॉइंट है वो बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन आई कोमा x प्लस एप्सिलॉन आई से, ठीक है ना, और ये है जो कंटेन होगा एम आई के अंदर फोर आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन एन तक। ध्यान से समझिए इसको ध्यान से समझिए, ये पॉइंट अगर समझ में आ गए तो आगे वाला ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अब हमने क्या देखा है कि ये जो M1, M2, M3 सारे हैं, ये सारे नेबरहुड है पॉइंट X के। इसका अर्थ क्या हुआ कि पॉइंट X एक क्लोज इंटरवल X माइनस एप्सिलॉन आई, X प्लस एप्सिलॉन आई है उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, और ये इंटरवल उस एम आई के अंदर एग्जिस्ट करेगा। I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे I की वैल्यू अगर मैं 1 लिखूं, 1 का मीनिंग क्या हो गया, X बिलोंग करता है X माइनस एप्सिलॉन 1 से, X प्लस जो एप्सिलॉन 1 है इस इंटरवल में, और ये सबसेट है M1 का, तभी तो नेबरहुड की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो एप्सिलॉन 2 M2 हो जाएगा, 3 होगी तो 3 यहाँ 3 हो जाएगा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब x बिलोंग करता है यहाँ से, अब हम यहाँ से एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर एप्सिलॉन है जो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 सो ऑन एप्सिलॉन 1। मान लिया कि ये जो एप्सिलॉन है ये सबसे छोटी वैल्यू है इन सभी से में से, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 सो ऑन सभी में से, ठीक है ना, क्योंकि एप्सिलॉन एन तक जा रहा है ना, ये इन सबसे सबसे छोटी वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू हमने क्या मान ली, एप्सिलॉन। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू एप्सिलॉन है देन जो एक्स है भी, एक्स तो पक्का बिलोंग करेगा किस में, एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन तक। अगर ये स्मॉल इंटरवल है दिस मीन्स ये भी एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर, एम आई के अंदर, 4 आई इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 सो ऑन एन तक। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, प्रैक्टिकल समझाते हैं आपको। प्रैक्टिकल कैसे, वही वाला चीज़, यहाँ पे पॉइंट है एक्स भी कोई, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक्स के इर्द गिर्द के पड़ोसी, मान लिया ये वाला इंटरवल फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है,
ये वाला इंटरवल सेकंड सेट में प्रेजेंट है, x के थोड़ा सा इधर इधर बढ़ा लेते हैं, ये वाला दूसरे किसी तीसरे सेट में प्रेजेंट है, ये वाला किसी और सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। तो इन सभी इंटरवल में से हमने क्या लिया, x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, ये सबसे छोटा इंटरवल ले लिया अभी x के जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट वाला, ठीक है ना, सबसे छोटा इंटरवल ले लिया। अब जो सबसे छोटा इंटरवल है इन सभी में से, इसका अर्थ क्या होगा, अगर ये सबसे छोटा है तो वो इंटरसेक्शन में पक्का होगा, है कि नहीं। सभी के इंटरवल से जो सबसे छोटा इंटरवल है वो सभी सेट्स के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अगर सभी सेट्स के अंदर प्रेजेंट हैं तो दिस इंप्लाइज, हेंस वी कैन से दैट इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, जो एम आई बनेगी भी वो भी क्या होगी, इज नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या अर्थ हुआ इसका, कि जो ये सेट्स हैं सभी की इंटरसेक्शन है एक्स, जहाँ कोई भी रियल नंबर है वो नेबरहुड होगी उसी पॉइंट का, क्योंकि उसी का जस्ट एक छोटा सा इंटरवल उन सभी में ज़रूर प्रेजेंट होगा, क्लियर। तो ये था भी आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया, बड़े इजी से हैं। जब तक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं होगा तो एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगेगी। अब जैसे मान लिया अगर इस एक्सरसाइज को आप देख पा रहे हैं और आपने बेसिक नहीं देखा तो आपको ये लगेगा सर पता नहीं कहाँ से एप्सिलॉन कहाँ से कुछ लिख देते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। लेकिन अगर आपने नेबरहुड वाली वीडियो या फिर वो सारे बेसिक जो दो वीडियो आई थी इसकी वो देख चुके हैं तो एक्सरसाइज आपको ये लगेगी सर हम तो खुद से ही सोल्व कर लेंगे, काफ़ी ईजी सी है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट है, कैन ए सेट एन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ आर माइनस एन सेट का, क्या कि जो ये सेट एन है वो नेबरहुड हो सकता है इस सेट के किसी भी पॉइंट का, पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद बोल रहा है कैन ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, कि नॉन एम्प्टी कोई फाइनाइट सेट है वो नेबरहुड हो सकता है किसी भी पॉइंट का, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप फर्स्ट में हम मान लेते हैं लेट कोई x एक ऐसी वैल्यू है, एक नंबर है जो बिलोंग करता है रियल माइनस n वाले सेट से, ठीक है ना, रियल में से नेचुरल नंबर माइनस कर दो, ठीक है ना। तो x क्या होगा, एक रियल होगा, ठीक है ना, एंड x क्या है, रियल है, क्योंकि रियल में से नेचुरल नंबर घटा दो तो रियल खत्म थोड़े ना हो जाएंगे, x भी क्या होगा, रियल होगा। दिस इंप्लाइज अगर x रियल है तो x नेचुरल नंबर तो नहीं होगा भी, रीजन क्योंकि x एक ऐसा एलिमेंट लिया है, एक ऐसी वैल्यू है जो इस सेट से बिलोंग करती है। अब हमें ये प्रूव करना x एक नेचुरल नंबर नहीं है और ये नेबरहुड होगा या नहीं होगा नेचुरल नंबर का। तो इससे उल्टा हम सपोज कर लेते हैं, लेट x बी ए नेबरहुड ऑफ n, उल्टा सपोज कर लेते हैं बी ये नेबरहुड है, देन अगर ये नेबरहुड है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल एंड विच इज कंटेन्ड इन n, ठीक है ना। बी x एक इस इंटरवल का पॉइंट है और ये इंटरवल किसका सबसेट है, n का, यानी कि इंटरवल के सारे पॉइंट किसके अंदर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर। दिस इंप्लाइज यहां से अगर ये नेबरहुड हो गया, x तो इसके अंदर है इस इंटरवल के अंदर और ये इंटरवल n के अंदर है, दिस इंप्लाइज यहां से x किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। लेकिन स्टार्टिंग में ही हमने क्या लिखा था, x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि x किसका एलिमेंट है, r माइनस s सेट का। तो यहां से ये क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना, ये क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी हमारे स्टेटमेंट। दिस मीन्स हम क्या कह सकते हैं, बी एक्स इसका नेबरहुड नहीं होगा, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हेंस वी कैन से दैट एक्स इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एन। तो ये फर्स्ट वाला हमारा हो गया प्रूफ। अब बात करते हैं सेकंड की। अब कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हमें प्रूव करना है कि वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा, अगर वो नॉट एम्प्टी है, एम्प्टी खाली नहीं है और फाइनाइट है। तो हम मान लेते हैं लेट y बी एनी अ रियल नंबर, ठीक है ना, y बी एनी अ रियल नंबर एंड a बी एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ठीक है ना।
अब हम सपोज कर लेते हैं, कंसीडर सेट ए इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट वाई। ये जो भी हमने पॉइंट वाई लिया है, हम सपोज कर लेते हैं कि ए सेट है जो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है वो नेबरहुड होगा पॉइंट वाई का। देन अगर ये नेबरहुड है, इसका अर्थ क्या हुआ कि y बिलोंग करेगा एक ओपन इंटरवल y माइनस एप्साइलन y प्लस एप्साइलन से, एंड ये कंटेन होगा किसके अंदर, सेट ए के अंदर, ठीक है ना। और सेट ए कैसा है, फाइनाइट सेट है, बट ये जो y माइनस एप्साइलन है और y प्लस एप्साइलन वाला इंटरवल है, हैज इनफाइनाइट नंबर्स। ये क्या हो गया, इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं भी, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर कितने नंबर हो गए हमें तक नहीं पता। अब ये सारे इनफाइनाइट नंबर सेट ए के अंदर कैसे हो सकते हैं, ए तो क्या है, फाइनाइट सेट है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, यहाँ भी क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि नोट एम्प्टी जो फाइनाइट सेट होता है वो इज नोट ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कि इसके किसी भी पॉइंट का वो नेबरहुड नहीं होगा, क्योंकि इस इंटरवल में इनफाइनाइट वैल्यू आ गई। और सारी अगर ए के अंदर होगी, ए तो क्या है, बेचारा फाइनाइट है, इतनी वैल्यू रख ही नहीं पाएगा, दिस मीन्स यहाँ फिर कॉन्ट्राडिक्शन होगी, और कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो दिस मीन्स ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर जेड है जो वो नेबरहुड नहीं होगा किसी भी रियल नंबर का। ध्यान से समझिए, अगर इसको हम प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल में तो आपको क्लियर सी बात होगी, ये है सेट ऑफ इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ -1, -2, -3, सो ऑन, इस तरीके से यहाँ भी लाइन चल रही है अभी, ठीक है ना। सेट ऑफ इंटीजर है ये, किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर यहाँ उठा लो, इस यहाँ नंबर लाइन पे उठा लिया कोई भी रियल नंबर, आजू बाजू वाले देखो इसके अड़ोसी पड़ोसी क्या सेट के अंदर हैं, नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंटीजर हैं, इंटीजर है तो आजू बाजू वाले का क्या काम, या तो -1, 0, 1 इस तरीके से मिलेंगे। अब यानी कि ये जो नंबर लाइन में फिक्स नंबर होते हैं, कंप्लीट नंबर, इनके बीच वाले किसी भी नंबर का ये नेबरहुड नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी, मान लिया वो 2 का नेबरहुड क्या पता हो, क्या 2 के आजू बाजू वाले उसके अंदर प्रेजेंट हैं, 2 के आजू बाजू वाले भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो दिस मीन्स ये जो इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है, ये ना तो खुद के किसी पॉइंट का नेबरहुड हो सकता, और ना ही इनके बीच में जो भी पॉइंट आते हैं इनका नेबरहुड हो सकता। अगर किसी भी पॉइंट का नेबरहुड ही नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, येस दिस सेट जेड इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, ये किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में करा दिया, इसको जो लिखने का तरीका है, एक्सप्लेनेशन अपनी वर्डिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन सेट, प्रीवियस वीडियो में ओपन और क्लोज सेट हमने पढ़े थे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट पढ़ा था अभी, तो हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा ओपन है। गिव आर्ग्यूमेंट इन द स्पॉट ऑफ योर आंसर, और अपने आंसर को प्रूव करके दिखाओ भी। ये कल मैं प्रूव भी कर चुका हूँ लेकिन दोबारा फिर करते हैं। ओपन सेट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए इससे पहले। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या कहता है, वो सेट ओपन सेट होगा अगर वो अपने अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर हैं, सभी का क्या हो, नेबरहुड हो। अब नेचुरल नंबर का केस ले लेते हैं भी, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, यानी कि ये सेट है, क्या ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, नहीं होगा भी, क्योंकि नंबर लाइन पे देखिए, अगर मैं 1 यहां 2 ले लूं, 2 के आसपास के नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते, बीच में कहीं एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी पॉइंट का ये नेबरहुड नहीं बनेगा। अगर ये किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता, दिस मीन्स इट इज नॉट ए ओपन सेट। बस आपने रीजन एक्सप्लेन करके लिख देना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो इन क्वेश्चनों को देखने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही सारी चीजें क्लियर होंगी 5th और 6th। इसी वजह से बोलता हूं कि मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देखा करो, आधी एक्सरसाइज तो वैसे ही सोल्व हो जाती है। सेम इंटीजर का किस केस होगा, सेम रेशनल का होगा, आर माइनस क्यू किसके इक्वल आता है, इरेशनल के, सेम यही, ये जो सारे हैं ये ओपन सेट नहीं होंगे, ये मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि ये जो भी सेट्स यहां लिखे हैं पहले 4, दिस मींस ये अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनते। लेकिन ओपन सेट की कंडीशन क्या कहती है, कि हर एक
जो भी एलिमेंट इस सेट के अंदर एग्जिस्ट हो सभी का नेबरहुड बनना चाहिए। तो पहले चार तो नहीं बनेंगे, इनका रीजन भी प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। फिफ्थ की बात करते हैं, 0 to 1 और 2 से 3, ये एक यूनियन है दो इंटरवल की। अब ये सारे के नेबरहुड 0 से 1 के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे सभी का क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा भी ये सेट। और 2 और 3 के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे सभी का क्या बनेगा, नेबरहुड। यानी कि ये जो भी सेट हैं इसके अंदर जो भी एलिमेंट है सभी का ये क्या बन रहा है, नेबरहुड। दिस मीन्स ये एक ओपन सेट होगा। क्लियर? तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन, और बाकी के जो भी पार्ट है वो भी आपने ऐसे ही करना है, बस अपने आंसर के स्पोर्ट में आप खड़े रहिए तो आपका काम हो जाएगा। सिक्स्थ पे आते हैं, एन ओपन सेट विच इज नॉट एन इंटरवल। एक ओपन सेट का एग्जाम्पल देना है भी, लेकिन वो इंटरवल ना हो, वो इंटरवल ना हो। बस सीधा सा है, रियल नंबर लिख दो, इंटरवल कहाँ है रियल नंबर, ठीक है ना। सेट है एक रियल नंबर का, ओपन भी है क्लोज भी है, दोनों जगह चलेगा, ठीक है। तो इंटरवल नहीं है, कुछ भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। एक इंटरवल हो लेकिन वो क्या हो, ओपन सेट हो। इंटरवल हो तो मैं लिख देता हूं 1 2, हो गया भी ओपन सेट। इंटरवल है कि नहीं, ध्यान से देखिए, 1 2 के बीच के सारे वैल्यूज सभी का क्या बनेगा, ये नेबरहुड। दिस मीन्स ये क्या हो गया, ओपन सेट, लेकिन इंटरवल भी है। उसके बाद ये सेकंड का हो गया, फोर्थ लिखा है मैंने, थर्ड आप खुद से करोगे, बिल्कुल सिंपल सा है। एक इंटरवल विच इज ए क्लोज सेट, क्लोज सेट क्या होगा भी, क्लोज सेट की डेफिनेशन कल मैंने बताई थी, अगर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए दिस मीन्स वो क्या हो जाता है, क्लोज। तो इसमें हम लिख देते हैं ए बी, ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर, ये क्लोज सेट होता है, प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ए बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो रियल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ए बी, ध्यान से चेक कर लीजिए, रियल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ए और बी के बीच की सारी वैल्यू। और रियल में से ए और बी के बीच की सारी वैल्यू अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है एक ओपन सेट। दिस मीन्स ये जो ए बी है क्लोज ब्रैकेट में लिखा है, ये एक क्या होगा, क्लोज सेट होगा भी, ठीक है ना, क्लोज सेट। क्लियर? तो जिसने बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहा है ना फिफ्थ सिक्स के, तो सारे पार्ट वो चुटकियों में कर लेगा भी। तो फिफ्थ सिक्स के बाकी जितने भी पार्ट बचते हैं वो आपने खुद से ट्राई करने हैं भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 को सोल्व किया है भी, जो बिल्कुल एक सिंपल से क्वेश्चन थे। इनमें ज़्यादातर जो हमारे चीज़ें काम आई हैं वो आया है बेसिक्स, यानी कि बेसिक कंसेप्ट अगर आप पढ़ते हो तो सारे के सारे क्वेश्चन को वो पास करवा देते हैं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर। अब मेन मुद्दा बेसिक्स पे है, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ फोकस करते हैं एक्सरसाइज पे, सर पीडीएफ दे दो, एक्सरसाइज की पीडीएफ दे दो, भी अकेले पीडीएफ से मैथ याद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो जरूर देखा करें, आज इस एक्सरसाइज से आपको आइडिया भी हो गया होगा कि जिसने बेसिक्स नहीं पढ़ा एक्सरसाइज उसके किसी काम की नहीं है। अगर रट्टा फिकेशन से याद करना है भी वो आपकी मर्जी है, तो दिस मींस बेसिक्स पढ़ना जरूरी है। इसके बाद के जो क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 और 10 है, ये चारों है तो आगे वाले भी, ये भी बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ये भी बेसिक्स के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं भी, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। वो सारी चीजें जो इन क्वेश्चनों में पूछी गई हैं वो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर नेबरहुड वाली वीडियो और इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट वाली वीडियो, दोनों वीडियोस के अंदर ये कंप्लीट करवा चुका हूं जो अगले चार क्वेश्चंस के अंदर पूछेगा। उसके बाद रही बात क्वेश्चन नंबर 11 to 19 की, क्योंकि सेकेंड एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चन है, ये आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, लगातार वीडियोज देखते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, और इस चैनल्स की वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो देखने के लिए, बने रहिए डिफेक्टिव क्लासेस के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।